संभल के चंदोसी कोतवाली ने व्यापारी के राशन को चेकिंग के लिए रोका, बिल न मिलने पर कोतवाली लेकर आई। जिन पर संभल के चंदोसी कोतवाली पुलिस ने मुरादाबाद गेट पुलिस चौकी के पास चावल के कट्टे से भरे डनलप को चेकिंग के लिए रोका। जब व्यापारी से पुलिस ने बिल मांगे तो वह बिल नहीं दिखा पाया, तो पुलिस उस डनलप को कोतवाली ले आई, जिसके बाद वहां पर मंडी समिति के कर्मचारियों को मौके पर बुलाया गया, जिन्होंने पकड़े गए माल को संदिग्ध बताया, जिस पर मंडी सचिव ने बताया कि यदि ये पकड़े गए सामान के बिक्री के बिल नहीं दिखाया जाएगा तो इनसे 10 गुना जुर्माना वसूल किया जाएगा। ठेला ये कहाँ से? गोदाम से। कौन से गोदाम से? मंडी गोदाम का माल है इनका। मंडी गोदाम से माल आया था। मंडी गोदाम से आया माल, ये कहाँ जा रहा था? अच्छा, तो ये पकड़े कौन लाया कोतवाली में? जवान जी लेके आए। किसका माल है, कुछ बताया आपको? प्यारलाल कौन है? पंजाबी प्यारलाल का। तो ये थाने क्यों आया, क्या बात? कोई नंबर तो गया, ये भेज दिया। किसने भेजा यहाँ पे? एच डी साहब भी हैं मौके पे। आप कौन है? ठेले वाले। देखिए, किसी जगह पर ही उतरता पकड़ा गया है। इन्होंने हमें स्टॉक तो दिखा दिया, लेकिन ये जहाँ किसको चावल बेचा है उसकी बिक्री का बिल नहीं दिखा पा रहे हैं। इससे अगर ये बिल नहीं दिखा पाएंगे तो इन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमारे मंडी समिति में मंडी शुल्क और विकास सहस 2% मंडी शुल्क है, 0.5% विकास सहस है, उसका 10 गुना जुर्माने का प्राविधान है। यदि ये बिल नहीं दिखाए जाएंगे तो हम इनसे 10 गुना जुर्माना और मंडी शुल्क विकास सहस इनसे जमा कराएंगे। हाँ, मुझे नहीं नहीं अब मुझे ये संदिग्ध ही लग रहा है। कितना कितना जुर्माना डाल? अब देखिए, ये 25 कुंटल अगर चावल है, 4000 का ये रेट बता रहे हैं, जो इसका बिल बता रहे हैं, 1 लाख का माल हो गया, 1 लाख पर 2000 मंडी शुरू हो गया। बताऊँगी, 2000 मंडी शुरू हो गया हमारा, इस पर 500 रुपये विकास से फूल 2500 का 10 गुना 25000 हो गया, 25000 जुर्माना, 2000 मंडी शुल्क और 500 रुपये विकास से कुल 27500 रुपये का रसीद कटेगा इसका। और क्या कार्रवाई? बस हमारे तो यही प्रावधान है। नहीं नहीं यही पार्टी अभी नहीं बता पा रही, हम पार्टी से लिख कर लेंगे। ये पार्टी शहर में पकड़ा गया है। ये बोल रहा है कि मंदिर में दान नहीं जा रहा है। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो चावल की जो वैरायटी है इसको शायद कोई दान तो करता नहीं है। अगर मंदिर या गुरुद्वारे वालों ने मोल खरीदे तो बात अलग है।